छात्रों, आज हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट अर्थात मापन की मापनी का अध्ययन करेंगे। तो एसएस स्टीवेंस ने अपनी पुस्तक ऑन दी थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में चार प्रकार की मापनी का वर्णन किया है। ये चार मापनी है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ये चारों प्रकार की मापनी क्रमिक होती है, यानी नॉमिनल स्केल सबसे निम्न स्तर का मापन होता है, ऑर्डिनल स्केल इससे उच्च स्तर का मापन होता है और इंटरवल स्केल इससे भी उच्च स्तर का मापन होता है और रेशियो स्केल सबसे उच्च स्तर का मापन होता है। अब क्रम से इन चारों मापनी की विशेषताओं को देखते हैं। पहला, सबसे निम्न नॉमिनल स्केल सबसे निम्न स्तर का मापन होता है। इस प्रकार के मापन में किसी वस्तु व्यक्ति को उनके गुण के आधार पर कोई एक चिन्ह या अंक प्रदान कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह में केवल हम व्यक्तियों की संख्या ही गिन सकते हैं और किसी प्रकार का इसमें मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार के मापनी में केवल हम वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार की मापनी को वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में हम देखते हैं कि छात्र हैं तो उनको हम रंग, रूप, जाति, धर्म आदि के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में कितने बालक हैं इसकी संख्या तो हम गिन सकते हैं और कोई मापन नहीं कर सकते। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स आदि भागों में हम सबको विभाजित कर देते हैं। तो छात्रों के इस प्रकार के वर्गीकरण को नॉमिनल स्केल का वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ तक कि जब हम किसी को उसका नाम दे देते हैं तो ये भी एक प्रकार का नॉमिनल स्केल का मापन है। अब आता है ऑर्डिनल स्केल का मापन। ऑर्डिनल स्केल का मापन नॉमिनल स्केल के मापन से बेहतर होता है, उच्च होता है। इस प्रकार के मापन में हम व्यक्तियों को, वस्तुओं को निम्न से उच्च के क्रम में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार के स्केल्स में एक क्रम होता है। जैसे जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होती, इस परीक्षा में कुछ छात्र फेल हो जाते हैं, कुछ थर्ड डिवीजन पास होते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन, कुछ फर्स्ट डिवीजन। इस तरह से ये जो वर्गीकरण है वे क्रमिक होता है। ये ऑर्डिनल स्केल का मापन है। फेल सबसे निम्न स्तर के छात्र होते हैं, इनको पास ही नहीं किया जाता। इसके बाद थर्ड डिवीजन वाले छात्र होते हैं, थर्ड डिवीजन से ज़्यादा बेहतर सेकंड डिवीजन वाले छात्र होते हैं और सेकंड डिवीजन से बेहतर फर्स्ट डिवीजन वाले छात्र होते हैं। लेकिन इस प्रकार के वर्गीकरण की मापनी में एक निश्चित क्रम तो है लेकिन इसके बीच का कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता। जैसे फर्स्ट डिवीजन वाला छात्र है और सेकंड डिवीजन छात्र वाला थर्ड है, एक थर्ड डिवीजन वाले छात्र है, तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन वाले छात्र के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन वाले छात्र के बीच का हो। इसी तरह सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन वाले छात्र के बीच का इंटरवल भी फिक्स नहीं होता। कोई फर्स्ट डिवीजन वाला छात्र 60% लाया होगा, हो सकता है सेकंड डिवीजन वाला 59% लाया हो, तो 1% का डिफरेंस होगा। और हो सकता है सेकंड डिवीजन वाला 45% ही लाया हो और फर्स्ट डिवीजन वाला 80% भी लाया हो, तो उसके बीच का डिफरेंस 35% हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस फिक्स नहीं रहता। ये ऑर्डिनल स्केल का मापन है। अब आते हैं इंटरवल स्केल के मापन में। तो इंटरवल स्केल का मापन वह मापन है जिसका शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो तब भी क्वेश्चन आता है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किस मापन का किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल्स में ऑर्डिनल स्केल्स के सारे गुण मौजूद रहते हैं। इंटरवल स्केल्स में फिक्स इंटरवल भी होता है। जैसे किसी परीक्षा में छात्र गणित में कि 100 जो अंक हैं पूर्णांक है, उस 100 पूर्णांक में
50 अंक प्राप्त करता है, कोई 55 अंक प्राप्त करता है, तो 50 और 55 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 5 का फिक्स होगा। इसलिए ये फिक्स इंटरवल स्केल्स है, यानी 50 और 55 वाले के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस 45 और 50 के बीच का डिफरेंस होगा। इसीलिए इसको इक्वल डिफरेंस मेजरमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें कमी क्या होती है, तो इसमें एक वास्तविक शून्य नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो का एब्सेंट इसका एक गुण है। इसी कारण इसको हम रेशियो के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। हम ये नहीं कह सकते कि 70 आईक्यू वाला व्यक्ति 140 आईक्यू वाले व्यक्ति की तुलना में आधी योग्यता रखता है, या गणित की परीक्षा में 40 अंक लाने वाला व्यक्ति 20 अंक लाने वाले व्यक्ति की तुलना में दुगना होशियार है गणित। इसका कारण एब्सोल्यूट जीरो की अनुपस्थित है। अब एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, तो वास्तविक शून्य वही बिंदु है जिस पर कोई गुण जिसका भी हम मापन कर रहे हैं वो समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका गुण होता ही नहीं और इससे निम्न वैल्यू संभव भी नहीं होती। इसके बाद आता है रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल सबसे उच्च स्तर का मापन है। इस प्रकार के मापन का प्रयोग भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, गणित में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक अनुपात के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि 40 किलो वाला बालक 20 किलो बालक की तुलना में दोगुना भारी है। अब इसमें वास्तविक शून्य होता है, अर्थात वास्तविक शून्य वह बिंदु होता है जिस पर कोई पैमाना शुरू होता है, अर्थात वह बिंदु जिस पर यथागुण समाप्त हो जाता है। तो ये गुण रेशियो स्केल में पाया जाता है। ये तो थी चारों स्केल्स का। अब स्केल्स में जो आपको समझ में ना आया हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन की घंटी बजाएं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड रेशियो स्केल। थैंक यू।